खामोशिया बेचैनिया ना दानिया चांदनी। हाय 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 हाय, हद हो गई हद हो गई है ना मम्मी जी। तीसरी बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई है इस गौरी के हस्बैंड ने। गौरी का हस्बैंड ना? कौन गौरी का हस्बैंड? अरे वही, क्योंकि सास भी कभी नागिन थी सीरियल की लीड हीरोइन। मैं मैगजीन की बात कर रही हूँ। अच्छा, इस मैगजीन में भी न्यूज छप गई थी? ओ, एक बहू, मैं दूसरी खबर की बात कर रही हूँ। तुझे पता है एक देवरानी अपनी जठानी की दोस्त बन गई, उसके बाद उसने प्रॉपर्टी के सारे पेपरों पे साइन करा लिया और पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली। अच्छा, हाँ। वैसे तू इतना मन ठन के कहाँ जा रही है? ओ, मैं तो शॉपिंग पे जा रही हूँ, ताने के लिए ज्वेलरी लेनी है ना। कितनी दोस्ती है ना पुत्र तुम दोनों में, दांत काटी रोटी की तरह। फिर उसने तेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। कैसा कहा मम्मी जी? यहाँ बैठ मेरे पास। मैं तो ऐसे ही कह रही थी मम्मी जी। ना ना ना, डर मत मेरी बच्ची, इधर आ। हाय, तू तो मेरी प्यारी बहू है और वो तो होने वाली है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तुझे बता ही देना चाहिए। क्या मम्मी जी? तान्या को कल मैंने पप्पू से बात करते सुना था कि बस एक बार हमारी शादी हो जाए फिर हम चंदू के साथ ही रहेंगे। पर क्यों? क्योंकि वो कहने लगी कि चंदू तो चिल्लाती बहुत है, हर बात पे अपना हुक्म जताती है। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तान्या ऐसा कुछ कह सकती है। ना तो मैंने कहा, उसी ने कहा था। पर सुन तू ना, पप्पू से इस बारे में मत पूछना। ताने ने ये कहा कि मैं बहुत चिल्लाती हूँ और सब पे बहुत हुक्म चलाती हूँ। बता दे पुत्र, और किस बात का है? हाँ हाँ भाभी, यही कहा था, और उन्होंने तो ये भी कहा था कि आपका ड्रेसिंग सेंस ना एकदम गवारो जैसा है। बस इतना ही कहा था। क्या? अब मैं तान्या के साथ शॉपिंग करने कभी नहीं जाऊंगी। बल्ले और मम्मी ने। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते, खूब खुश रहे मेरी बच्ची। चंदू दीदी। ओए मेरी गुड़िया, अपनी मम्मी के पास तो थोड़ी देर बैठ, इसे ढूंढ रही है। मम्मी जी, मैं ना चंदू दीदी को बुलाने आई हूँ, दरअसल आज ना हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। वो तो कह रही थी कि वो तेरे साथ जाना ही नहीं चाहती। और आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि वो मेरे साथ शॉपिंग पे जाना नहीं चाहती? क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? हाँ पुत्र, कह रही थी कि तू चपड़ चपड़ करके ना सिर बहुत खाती है, है ना बापू? नहीं। ए? वो सच सच बोल, सीधे बता दे। हाँ हाँ हा, ऐसा ही कह रही थी। पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, चंदू दीदी ने ऐसा कहा मेरे लिए। मुझे भी यकीन नहीं हुआ पुत्र, इतनी प्यारी बच्ची से कोई बचना क्यों चाहता है? इसीलिए वो अभी तक तैयार नहीं हुई। हाय ना, तू उदास मत हो, मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। नहीं नहीं मम्मी जी, तुसी रहने दो, तुसी थक जाओगे ना, आप यहीं रहो, मैं चली जाऊंगी शॉपिंग करने खुद से। पर चंदू दीदी ने अब नहीं जाना चाहती तो पुत्र मैं क्या कर सकती हूँ? मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? अगर ये दोनों बम फटे ना तो आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे और भाई के चितले उड़ जाएंगे। ओए तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। ये जो मैं कर रही हूँ ना, इसी में सबकी भलाई है। तुझे क्या लगता मैंने प्यार नहीं करती? मैं खुद ही संभाल लूंगी, और तू देखना अब इन दोनों में क्या होता है। हिम्मत कैसे हुई उसकी? एहसान फरामोश? भाभी एक पापड़ी तो लिया, इसमें एहसान फरामोश कैसे हो गया? हिम्मत कैसे हुई? कभी माफ नहीं करूंगी उसको। ठीक है, मैं पापड़ नहीं लेता, वापस रख देता हूँ। अरे चुप करो, खाना खाओ। अरे भाभी इतना डांटेंगी तो खाऊंगा कैसे? मैं डांट रही हूँ? अरे मैं तुझे नहीं तान्या को डांट रही हूँ। पर तान्या तो खाना नहीं खा रही। चुप करो और खाना खाओ। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे हो?
भाभी क्या हम 5 मिनट बाद खा सकते हैं? 5 मिनट में ऐसा कौन सा मुहूर्त आने वाला है जो ये भिंडी चिकन बिरयानी में बदल जाएगी? बदल भी सकती है भाभी। कैसे? भाभी देखो मुहूर्त को तो नहीं पता, लेकिन 5 मिनट में कोई चिकन बिरयानी लेकर आने वाला है। कौन? आ गई मेरी बिरयानी। मैं ना तेरे लिए चिकन बिरयानी लेकर के आई हूँ, चल खा ले जल्दी से। मैंने 2 घंटे बैठकर खाना बनाया और तूने चिकन बिरयानी मंगवाई। ओ भाभी मैं ना। कोई जरूरत नहीं रुका चुका खाना खाने की, मैं तेरे फेवरेट रेस्टोरेंट से तेरी फेवरेट चिकन बिरयानी लेकर के आई हूँ, इसमें एग्स भी है, चल खा ले। पप्पू तुझे पता है ना बारिश में बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ जाते हैं, तू ये खाना नहीं खाएगा। कोई जरूरत नहीं है, रुका सुखा खा के मरने से अच्छा ना बाहर का खा के सुकून से मरो। चलो खाओ खाओ खाओ। नहीं तू ये खाएगा। जी नहीं ये खाएगा। चल अरे मुझे खाने तो दो। अच्छा रुको रुको मैं दोनों खा लेता हूँ यार। मुझे और भी काम है घर में, मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ ना, इसलिए लोगों की तरह वेला बंदी करने के लिए मैं फ्री नहीं हूँ। चल पप्पू हम भी चलते, तूने खा लिया होगा ना, वैसे भी कुछ लोग को हमारी आजादी से बहुत जलन होती है। मैंने ना बहुत ज्यादा खा लिया है। तानिया तुम जाकर टीवी देखो, मैं होके आता हूँ। चलो गया यार, मम्मी जी के पैतरे ने तो कमाल कर दिया, तानिया सारा टाइम मुझे ही दे रही है। ये ये नहीं। पप्पू प्रेस वाले ने कपड़े दिए, कबर्ड में रखकर आओ। पर भाभी मैं प्रेस वाले के कपड़े अपने कबर्ड में क्यों रखूं? और उसने आपको अपने कपड़े क्यों दिए? अरे उसने तुम्हारे कपड़े प्रेस करके दिए हैं। बेलों की तरह लूडो खेलने से फुर्सत मिले तब तो भेजे में कुछ घुसे। कुछ लोगों को ना हमारी आजादी से और हमारी शांति से बड़ी जलन होती है, ये कोई जल बूंद के ना बहंगन की तरह हो जाते हैं। चल तू लूडो खेल। पप्पू पहले कपड़े रख कर आओ। जी नहीं पप्पू लूडो खेलेगा। चल तेरी चांस। पप्पू प्रेस के कपड़े रख कर आओ। जी नहीं ये लूडो खेलेगा। तान्या तू ऐसा कैसे बोल सकती है? मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ? अपने मुंह से। अपने मुंह से नहीं अपने फिटे मुंह से। चंदू दीदी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलो। अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोलने से पहले सोचती। चंदू दीदी मैंने उल्टा सीधा बोला? आपने मेरे बारे में बोला कि मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ। जा मुझे सब पता चल गया, तू पप्पू को भड़का रही थी हमसे अलग होने के लिए, क्योंकि मैं तुझे डोमिनेटिंग और रॉबीली लगती हूँ ना। अरे तानिया छोड़ो ना, हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, वरना सीढ़ी तुम्हें काट लेगी और सांप पे मैं चढ़ जाऊंगा। चुप कर तू। हेलो चंदू दीदी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, पर आपने ये बोला कि मैं बहुत बड़बड़ करने वाली हूँ, मैं आपका दिमाग चाट लेती हूँ, आपने ऐसा कहा ना? जाने दे तू मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन जब तक मुझे तेरी सच्चाई नहीं पता थी तब तक। एक मिनट चंदू दीदी मैंने आपको डोमिनेटिंग और धौंस जमाने वाली कहा? हाँ सब पता है मुझे, क्यों पप्पू कहा था ना? भाभी मैं कपड़े रखाता हूँ। एक मिनट पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने भी तो कभी ऐसा नहीं कहा कि तू इरिटेटिंग और बड़बड़ करने वाली है, और मैंने भी कभी शॉपिंग पर जाने से मना नहीं किया। सच सच बता पप्पू। सच सच। तान्या मेरा डंडा तो लेकर आना। डंडा नहीं भाभी, दरअसल मुझे मम्मी जी ने कहा था ये सब करने के लिए। मम्मी जी ने? हाँ पता है क्या हुआ? अच्छा हाँ मुझे माफ कर दो। माफी? तुझे मेरा टाइम चाहिए था ना, मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड करूं। अब तू देख मैं तेरे सर पे बैठ के तुझे कितना परेशान करती हूँ। तान्या कौर नाम है मेरा, एवी नहीं है। लेकिन उससे पहले मम्मी जी का भी तो एहसान चुकाना है। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।